हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सुबह सुबह का टाइम है और आज कई दिन के बाद वेदर बहुत अच्छा है। सुबह ही धूप निकल गई थी लेकिन शाम होते होते फिर से बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन जो फर्स्ट हाफ था आज के दिन का, वो बहुत ही प्यारा सा था। धूप निकली रहती है ना तो एक अजीब सी एनर्जी ही आ जाती है अंदर। और यहाँ पे आपको एक खाली कार्डबोर्ड बॉक्स दिखेगा, तो ये है पार्सल जो घर से आया है और बहुत जल्दी आने वाले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इस बार दिवाली के लिए घर से क्या क्या आया है। इसके बाद मैं आई हूँ लिविंग रूम में और यहाँ आके मैं कर्टेन्स हटा दूंगी। अगर बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर होता है बाहर का और ये होता है कि अंदर लाइट जलानी पड़ेगी तो उस टाइम पे फिर मैं कर्टेन्स नहीं हटाती हूँ। लेकिन जिस दिन बहुत अच्छा वेदर होता है, ब्राइट सा रहता है, तो फिर नेचुरल लाइट मैं अंदर आने देती हूँ और घर के जितने भी कर्टेन्स होते हैं ना वो सारे हटा देती हूँ, तो घर में एक बहुत अच्छी एनर्जी फिल हो जाती है। इसके बाद फिर मैं आई हूँ किचन में, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी और चाय का जितना भी सामान है वो सब मैंने पैन में डाल दिया और बस बॉयल आने ही वाला था, फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि साहब अभी तक भी नहीं उठे थे। फिर मुझे ये था कि वो तब तक फ्रेशन अप होके नीचे आएंगे तो चाय का तो पता नहीं बस क्या बन जाएगा, काढ़ा ही हो जाएगी वो, तो फिर जैसे ही वो आएंगे तो तब मैं चाय में बॉयल लगा दूंगी। मीनवाइल यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट के लिए पोटैटोस बॉयल कर रही हूँ। तो आलू के पराठे बनाने के लिए या तो मैं माइक्रोवेव में बॉयल करती थी आलू या फिर मैं इस तरह से स्टीमर में करती हूँ, क्योंकि अगर आप प्रेशर कुकर में आलू डाल देते हैं पानी के साथ तो वो बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर ना सोक कर लेते हैं कई बार। और ये हम ब्रिटिश वाइट पोटैटोज़ यूज़ करते हैं। अगर आपको न्यू पोटैटोज़ मिलते हैं जिनको नए आलू बोला जाता है वो फिर भी कम पानी सोक करते हैं, लेकिन ये वाले बहुत जल्दी गल जाते हैं और कितनी भी आप कोशिश कर लें, एहतियात बरतें प्रेशर कुकर में, वो बहुत ज़्यादा पानी सोक कर ही लेते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा इनको स्टीम पे करती हूँ तो पानी बहुत कम जाता है और अगर पानी कम रहता है ना आलूओं में तो फिर आपके पराठे फटते नहीं हैं। तो मैं इसी तरह हमेशा स्टीमर लगा के प्रेशर कुकर में और पोटैटोस बॉयल कर लेती हूँ। यहाँ पे साहब जो है वो भी आ गए हैं, चाय मैंने छान ली है और अब हम लोग साथ बैठकर चाय इंजॉय करेंगे। लेकिन इसी बीच जो है वो प्रेशर कुकर में आलू जो थे वो बॉयल हो चुके थे तो मैं फटाफट लिड हटा दूंगी, क्योंकि कई बार फिर स्टीम के साथ भी वो ओवर कुक हो जाते हैं तो हमें बिल्कुल ओवर कुक नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पर नाइफ लगा के देख लिया है तो वो बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं जिस तरह के मुझे चाहिए थे। तो अब मैं इनको अच्छे से ठंडे होने दूंगी और उसके बाद फिर हम इनके पराठे बनाएंगे। तो ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर के होने चाहिए। जब भी आप आलू के पराठे बनाएं ना, एक तो आलू आपके कम पानी के उबले हुए होने चाहिए, सेकंड वो ठंडे होने चाहिए, लाइक नॉर्मल टेम्परेचर के, फ्रिज के रखे हुए नहीं होने चाहिए और बिल्कुल गर्म नहीं होने चाहिए। इन दोनों तरीकों से अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपके पराठे फट जाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर चाय इंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ऊपर। रद्वी भी उठ गई है, यहाँ पर मस्ती चल रही है उसकी, फ्रेशन अप हो गई है तो जाकर उसको दूध दूंगी एंड देन आई विल टेक शावर। घर जो है वो पूरा अच्छे से टाइडी हो ही गया है, वैक्यूम साफ कर देंगे। और अब मैं शावर लेके आ चुकी हूँ। एक्चुअली मैं पहले सोच रही थी कि कपड़े फोल्ड करूँगी, क्योंकि आपने बेडरूम में देखा होगा कि आर्म चेयर पे कितने सारे कपड़े रखे हुए हैं, दो दिन का लोड है वहाँ पे। बट वो मैंने सोचा कि चलो फिर बाद में करूँगी, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। आज बहुत दिनों बाद, महीनों बाद घर में आलू के पराठे बन रहे हैं तो अच्छे से बनाते हैं टाइम लगा के, और उसके बाद फिर रिलैक्स करके देन आई विल फोल्ड ऑल द क्लोथ्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं रख रही हूँ काउंटर टॉप पे, और सबसे पहले हम डो बना के तैयार करेंगे ताकि जब तक हम स्टफिंग अपनी तैयार करें डो अच्छे से रेस्ट कर चुका हो और उससे फिर पराठे जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। सो एवरीथिंग इज़ ऑन काउंटर टॉप नाउ एंड वी गोना स्टार्ट द प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 कप के करीब आटा लिया है, होल व्हीट फ्लार है, और इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, और वहाँ पे धूप आ रही थी तो मैंने थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लिया दूसरी तरफ। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है। एवोकाडो ऑयल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली मैं पराठे के लिए वही यूज़ करती हूँ या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, या फिर आप घी में भी बना सकते हैं। इसके बाद नमक और ऑयल को हम बहुत अच्छे से कम्बाइन कर लेंगे आटे के अंदर, और जब वो अच्छे से मला जाए फिर आप इसके अंदर पानी डाल के सॉफ्ट आटा बना के तैयार करें।
जितना मेरा आटा है, लाइक मैंने 2 कप लिया है, इसमें 1 कप पानी जाएगा। लेकिन हर आटा डिफरेंट होता है, कई बार फ़र्क पड़ता है कि आटा आपका मोटा पिसा है या बारीक पिसा है, तो उस हिसाब से पानी जाता है। तो कभी भी आटे की कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होती है कि उसमें इतना ही पानी जाएगा, हर आटे पर डिपेंड करता है। और सॉफ्ट रोटी बनना या पराठा बनना डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी देर तक नीड कर रहे हैं और किस तरीके से नीड कर रहे हैं। तो अच्छे से पंच लगा लगा के आप इस आटे को नीड करें और इसको रेस्ट करने के लिए रख दें 10-15 मिनट के लिए। आपकी बहुत सॉफ्ट रोटियां या पराठे बनेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पराठे के लिए चाहिए। आलू मैंने थोड़े से इसमें से निकाल दिए हैं, हमारे लिए ज़्यादा थे वो, तो वो बाकी काम आ जाएंगे, वो मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। और यहाँ पर एक मैंने बिग साइज़ की अनियन ली है, रेड अनियन ले रही हूँ, ये ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है, पराठों में अच्छी लगती है। थोड़ा सा अदरक लिया है और एक हरी मिर्ची ली है। आपके पास अगर हरा धनिया हो तो प्लीज़ ज़रूर ऐड करें, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाई, बाकी उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने मैनुअल चॉपर में डाल दी हैं, उसको उसमें मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। और यहाँ पर जो हमारे आलू हैं इनको हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो फॉक से भी कर सकते हैं या पोटैटो मैशर आता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि चंक रह जाता है और वो चंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपके पराठे जो हैं वो थोड़े से फट जाते हैं, वो फूलते नहीं हैं फिर सेकते हुए। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं ग्रेट कर लूँ जब ज़्यादा बना रही हूँ, लेकिन अगर 2-4 ही बनाने होते हैं तो फिर मैं भी ये ग्रेटर नहीं उठाती हूँ, ऐसे ही कर लेती हूँ, चल जाता है काम। तो और अब यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिए आलू और ये है वो सारी चीज़ें, प्याज, हरी मिर्च और अदरक जो मैंने मैनुअल चॉपर में चॉप की थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे जिससे ये और टेस्टी बनेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सॉल्ट डाला है 1 चम्मच के करीब, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। यह है कोरिएंडर पाउडर 1/2 चम्मच मैंने इसका ऐड किया है, रेड चिली पाउडर 1/2 चम्मच ये डाला है, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। ये है जीरा पाउडर 1/2 चम्मच ये मैंने ऐड किया है, अमचूर पाउडर है इसका मैंने 1 चम्मच भर के डाला है, इससे खट्टे बनते हैं। और इसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें गरम मसाला एंड देन लास्ट जाएगा स्टफ्ड पराठा मसाला। और ये कैसे बनाया जाता है इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। शुरू में स्पून से करने की कोशिश करते हैं लेकिन जब तक हाथ ना लगे ना इसके अंदर तब तक ये अच्छे से मिक्स होता नहीं है। तो अच्छे से हाथों से मिला मिला कर इसको आप वेल कंबाइन कर लें और आपकी जो स्टफिंग है ना आलू के पराठे की ऑसम टेस्टी वो तैयार हो जाती है। इसकी आप चाहें ना तो टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। और यहाँ पे पराठे बनाने के लिए मैंने ऑयल भी फिल कर लिया है, तो ये है एवोकाडो ऑयल 100% प्योर और ये कॉस्को में मिलता है, हम कॉस्को से लाते हैं। आई एम नॉट श्योर कि और किसी जगह भी मिलता है या नहीं मिलता है, तो जो लोग यहाँ के हैं वो कॉस्को से बाय कर सकते हैं। चलिए अब आती है बात पराठे बनाने की, तो आज मैं सारी टिप्स ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पेड़ा लेके उसको बेल लेना है, स्टफिंग आपको डालनी है, जितना आपका पेड़े का अमाउंट है उससे डबल स्टफिंग जानी चाहिए, तभी स्टफ्ड पराठे में मज़ा आता है। इसके बाद स्टफिंग भरने के आपको इसके किनारे जो है ना वो थोड़े से पतले करने हैं हाथों से, जैसे मैंने किए हैं, और उसके बाद आपको बेलने का प्रोसेस करना है। इससे आप देखेंगे कि आपके जो किनारे हैं ना वो सील्ड रहेंगे, वो इतने ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं कि उसमें से स्टफिंग एकदम से बाहर निकल रही है। नेक्स्ट पराठा जो है वो मैं आपको बेल के दिखाऊंगी, जिसमें मैं किनारे से उसको बारीक नहीं करती हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि कितना बड़ा डिफरेंस आता है उसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने पेड़ा लिया है, इसको नॉर्मली मैंने बेल लिया है थोड़ा सा, इसके बाद हम इसमें स्टफिंग रखेंगे ढेर सारी, इसको हम अच्छे से सील कर लेंगे। और सील करने के बाद कायदे में अच्छा पराठा बनाने के लिए हमें इसको फ्लैट करने के बाद इसके किनारे जो थे वो हमें थोड़े हाथ से दबा के करने थे, लेकिन वो मैंने नहीं किए, डायरेक्ट इसको बेलना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि इसके किनारे जो है ना वो फटे फटे बने हैं। तो हालांकि मेरे हस्बैंड को ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत अच्छे किनारों से रोस्ट होते हैं, एक अलग सा क्रस्ट आता है, लेकिन वो देखने में इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवे पे डाला था पराठा, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के बिल्कुल मीडियम हीट पर आप इसको सेक लें
पलट पलट कर दबा दबा कर हमेशा पराठा बनाते हुए जो हीट है आपकी वो लो टू मीडियम होनी चाहिए, तभी बिल्कुल ब्राउन स्पॉट वाला आपका पराठा बनेगा, चारों तरफ से अच्छे से सिकेगा और फूला फूला बनेगा। तो ये था पहला पराठा जो पूरा फूल गया था, और ये है वो पराठा जिसको मैंने किनारों से फ्लैट नहीं किया था। तो ये थोड़ा सा कम फूलता है, फूल जाता है कभी कभी, लेकिन उस तरीके से नहीं फूलता है, और किनारे जो हैं वो बहुत क्रस्टी बनते हैं। और आप यहाँ पर नोट भी करेंगे कि मैं ऑयल भी बहुत कम लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, आटे के अंदर भी है, और फिर इतना ज़्यादा ऑयल क्या डालना, तो हद से हद लाइक आधा आधा चम्मच के करीब डलता होगा। अच्छे लगते हैं, कुरकुरे बनते हैं, आप चाहे तो घी में भी इनको सेक सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कुरकुरा पराठा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। बस इसी तरीके से मेरे जितने बाकी के पराठे हैं वो मैं सेक के तैयार कर लूँगी। तो कभी कभी ना यू नो ये चीज़ें रोज़ तो बनती नहीं, हैवी तो होता है ऑब्वियसली, आलू का पराठा तो रोज़ रोज़ तो कोई बना के खाता नहीं है, एक दो महीने हमारे घर में तो दो तीन महीने तक हो जाते हैं इवन पराठा बने हुए, कभी ज़्यादा ही हो ना कि हाँ चलो आज पराठे बना लो, और उसके बाद फिर हमारा लंच जो है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि आलू के पराठे बनते हैं तो छक छक के खाए जाते हैं, और फिर दोपहर को कई बार तो ये होता है कि चलो या तो खिचड़ी बना लो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम दूध गुड़ खजूर ये सारी चीज़ ही ले लेते हैं और फिर शाम को खा लेते हैं, तो लाइक इट इज़ कम्प्लीट फुल मील। तो या फिर कई बार ऐसा होता है कि चलो थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट बना लो और उसके बाद फिर दोपहर के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आलू का पराठा एक ऐसी चीज़ है कि एक खा के तसल्ली नहीं होती है और दो खा के पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम की भूख ही नहीं रहती है। तो यहाँ पर बस मैंने सारे पराठे जो हैं वो इसी तरीके से सेक लिए हैं और हर एक पराठा जो है मेरा फूला है। बस आप यही थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो ध्यान रखें कि आलू का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और फ्लैट आपके किनारे होने चाहिए जब आप बेलें। तो यहाँ पे इस क्लिप को आप थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, या मेरी बातों को अवॉइड करके म्यूट करके आप टेक्निक यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं किस तरह से पराठे बना रही हूँ। लाइक जब मैं सेकती हूँ तो मैं पेड़ा बना के मैंने ड्राई फ्लावर में रख लिया था, इसके बाद मैं इसको बेलती हूँ, स्टफिंग डालती हूँ और उसको हल्का सा ही प्रेस करके छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर मैं पराठे को सेकना शुरू करती हूँ, उसके बाद फिर मैं बेलती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा स्टेप होता है पेड़ा बनने में, स्टफिंग के बाद में, तो उससे ना आटा आपका ठहर जाता है, बेलने में आसानी होती है। सो बस ये कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखें और हर किसी के पराठे जो है ना वो फूले फूले और मस्त बनेंगे। तो ये है हमारी आज की प्लेट, इसमें आम की मीठी चटनी रखी है और आलू का पराठा हो साथ में बटर ना हो तो फिर बात बनती नहीं है। तो बटर के साथ आलू प्याज का मस्त पराठा और ये चटनी, वाह क्या बात है। सो किचन का सारा काम निबट गया है और अब मैं तसल्ली से बैठी हूँ आप लोगों को शॉपिंग दिखा दूँ। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, कब से बोल रही हूँ, और जो आज की शॉपिंग है इसमें कुछ आइकिया से है, कुछ अमेज़ॉन से है, कुछ यहाँ के लोकल मार्केट जैसे B&M होम बागेन वहाँ से भी मैंने लिए हैं, तो सारी मिक्स मैच है। और अमेज़ॉन से हमने और भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं लेकिन अभी वो आई नहीं है, तो जैसे जैसे मेकओवर डन होगा पूरे घर का मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँगी। फिलहाल बहुत कुछ है शेयर करने का तो इधर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये कुशन्स का एक सेट, इसके अंदर 10 कुशन है, मल्टी कलर में है, ये डिज़ाइन सबका ऑलमोस्ट सेम है, ये हमने अमेज़ॉन से लिए हैं। और जितने भी प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं उन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बाकी जो आइकिया से है या B&M से है उनके मेरे पास लिंक अवेलेबल नहीं है, तो या तो आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लें या फिर आप गूगल करके देख लें, आपको कुछ ना कुछ सिमिलर मिल जाएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। बट जितने भी अमेज़ॉन के हैं वो सब मैं डाल दूंगी तो वो आप चेक कर लेना। तो ये 10 कुशन का सेट है और डिज़ाइन इनका इस तरह का है। तो यू नो दिवाली के टाइम पर जब कुछ ट्रेडिशनल सा कलरफुल और इस तरह से ना चमकदार कुछ लगाने का मन करता है तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छे हैं और कलर बहुत वाइब्रेंट है। तो 10 का सेट है तो मेरे घर में जो दो सिटिंग एरिया है, जो हमारा डाइनिंग एरिया है और एक जो लिविंग एरिया है, दोनों जगह ये आ जाएंगे तो दोनों जगह सिमिलर हो जाएंगे। तो इस तरह का पैटर्न है, सितारा भी लगा हुआ है, सो गुड, दिवाली के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो काफ़ी सारे डिज़ाइन थे उनमें से फिर हमें ये पसंद आया।
एक तो ये लिया है, इसके बाद मैंने लिया है वन पेयर ऑफ कर्टेन, ये B&M बागेन से लिया है और ये डबल शेड में है, अगर आपको दिखे ना लाइक ग्रे कलर है और उसमें सिल्वर कलर का भी एक धागा है तो शाइन आती है इसमें। और इसकी जो प्राइस है आई थिंक 1999 है, 19 pounds 99 pence, और जिन लोगों को इंडियन रुपीज में चाहिए तो प्लीज़ 90 से आप मल्टीप्लाई कर लेना जो भी प्राइस मैं बता रही हूँ। और ये इनकी जो डायमेंशन है आई थिंक 1.5 meter by 2 meter की इनकी डायमेंशन है, तो ये थोड़े छोटे वाले हैं, ये मैंने अपने लिविंग रूम के लिए लिए हैं, तो जल्दी आपको लिविंग रूम का भी मेकओवर देखने को मिलेगा। तो बहुत प्यारे से हैं और फुल्ली लाइंड कर्टेन है ये, इनके अंदर जो है वो लाइनिंग लगी हुई है, ब्लैकआउट कर्टेन हैं ये वाले। ओके, इसके बाद मैंने ये लिए हैं अद्वी के लिए हेयरबैंड का सेट, ये 6 हैं, एक वो भी लगा के बैठी है, तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा कपड़ा है इनका। और ये अमेजोन से लिए हमने, आई थिंक 5 pounds समथिंग के हैं, लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप क्लिक करेंगे तो प्राइस आपको पता लग ही जाएगा। तो अच्छे हैं ये, सॉफ्ट से वही लगाती है, मैं तो लगाती नहीं हूँ, सर में दर्द हो जाता है। इसके बाद कुछ मैंने हेयर एसेसरीज ली हैं, दो तो मैंने ये लिए हैं काइंड ऑफ आपको बन बनाने के लिए चाहिए होते हैं, तो जो मेरा सेकंड चैनल है बी चार्मर, उसमें मैं हेयर स्टाइल की कुछ वीडियोस लेके आने वाली हूँ, तो उनके लिए मुझे चाहिए था। डोनट बंस मेरे पास थे लेकिन ये वाले क्लिप्स नहीं थे, तो ये मैंने लिए हैं। और इसके अलावा मैंने ये वाली ली है, ये स्विरल इस तरह की हैं और इनसे आप फ्रेंच ब्रेड, फिश टेल ब्रेड वो बना सकते हैं। इट इज़ सेट ऑफ 6, तो जल्दी ही इसके ऊपर ट्यूटोरियल आएगा। मैंने पहले एक बार यूज़ किया है लेकिन बहुत टाइम हो गया है, बहुत दिनों से मैंने यूज़ नहीं किया है, बट श्योरली आई एम गोना ट्राई दिस वन और आप लोगों को बताऊंगी। ये दोनों चीज़ें अमेजोन से हैं। ओके, अमेजोन से ही एक चीज़ मैंने ये ली है, दीज आर ना रेजर्स जो मोस्टली लोग फेशियल हेयर के लिए यूज़ करते हैं, इनको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ इनको, लेकिन मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे चैनल पे कि प्लीज़ आप दिखाइए कि किस तरह से फेस शेविंग की जाती है, इवन दो मेरे फेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है भी नहीं, लेकिन आप लोग बोलते हैं तो आप लोगों के लिए सारी चीज़ें सर आँखों पर करनी होती हैं, तो वो मैं करूँगी फॉर श्योर। तो इट इज़ सेट ऑफ आई थिंक 24 का ये सेट है और 2 use के बाद आपको इसको थ्रो करना होता है, नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट, बट मुझे कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन मिला नहीं तो फिर मुझे यही ऑर्डर करने पड़े। अच्छी क्वालिटी के हैं ये और ये भी अमेजोन से लिए हैं, तो होता है ना आईब्रो शेप करने के लिए, यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर अपर लिप होते हैं, आजकल शेविंग बहुत ज़्यादा चल गई है, अदरवाइज लेडीज़ बिल्कुल नहीं करती थी, वो लोग वैक्स वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन अब जब से इस तरह के ये रेज़र आए ना तब से मोस्टली लेडीज़ लड़कियाँ जो हैं वो यूज़ करने लगी हैं, तो श्योर आई एम गोना शो दिस ट्यूटोरियल वेरी सून। इसके बाद अमेजोन से ही हमने ली हैं ये कुछ लाइट्स, ये एडहेसिव वाली लाइट्स हैं, इतनी बड़ी सी लाइट आती है और ये लाइट रिचार्जेबल है, आप इनको चार्ज कर लो, USB केबल आता है इनके साथ और एक बार लगाने से आराम से आई थिंक 24 घंटे का इनका बैकअप है, ये लगातार चलती हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप इनके सेट कर सकते हैं, तो इट इज़ गुड। मैंने ये अपनी किचन के लिए ली है, तो किचन के मेकओवर में आपको पता लगेगा कि ये कहाँ लगने वाली है, सो एक्साइटेड फॉर दैट। ये भी अमेजोन से लिया है हमने। ओके, इसके बाद बारी आती है वन मोर पेयर ऑफ कर्टेन, ये भी B&M बागेन से लिए हैं और इनकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 45 pounds और सेल में ये मुझे आई थिंक 25 pounds के पड़े हैं और ये काफ़ी बड़े हैं, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, मेरे ख्याल से 1.5 meter by 2.75 meter का इनका साइज़ है। और डिज़ाइन मैं आपको इनका दिखा दूँ, इस तरह से है ऊपर की तरफ और नीचे से प्लेन है। साहब वहाँ ना वो रखा होगा, एक पेपर रखा है क्या इनका डिज़ाइन का, कैटलॉग का? हाँ। मैंने यहाँ काउंटर टॉप पे रखा था शायद, है क्या? ओ ये नहीं, नहीं मिल गया, मैं सॉरी यहीं रखा हुआ था। तो इस तरह का इनका पैटर्न है पूरा, तो ऊपर इनके ऊपर यहाँ सीक्वेंस का डिज़ाइन है और नीचे से प्लेन है ये, और इट्स नॉट शैटिन, आई डोंट नो कौन सा कपड़ा है ये, बट बहुत अच्छा शाइन वाला कपड़ा है एंड अगेन फुल्ली लाइंड है, ब्लैकआउट कर्टेन्स हैं ये। तो एक पेयर मैंने ये लिया है, बिल्कुल इसी तरह का मेरे पास एक बेड सेट है तो ये उसके साथ मैच करेंगे, सो दीज आर फॉर माई बेडरूम। तो एक पेयर ये हुआ है कर्टेन का। इसके बाद है एक इंटरेस्टिंग चीज़,
ये मैंने अमेजोन से ली है, बेको ब्रांड की है, लिंक आपको मिल जाएगा। बेको से हमने पहले भी बहुत सारी चीजें ली हैं, अदवी की जो टीपी थी वो भी वहीं की थी, एक हमने उसकी टेबल ली थी वो भी बेको की ही थी। और बेसिकली ये है, क्या दिखा दूं आपको, दिस इज अंडरवेयर ड्रॉर ऑर्गेनाइजर, लेकिन आप इसको मल्टी वे में यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो एक बॉक्स में आपको दो सेट मिल जाते हैं, सॉरी फॉर पॉलिथीन नॉइज, तो इस तरह से ना दो पैक आपको मिलते हैं इसमें। ओपन कर लीजिए, तो इस तरह से ये दो मिलते हैं और इट इज रियली बिग, काफी बड़ा है। तो लाइक इसमें जो इमेजेस दिखाई गई हैं, इसमें आप अपने अंडरपैंट्स रख सकते हैं, इधर आप बीज रख सकते हैं या फिर वेस्ट वगैरह रख सकते हैं। मैं इनको दूसरे पर्पज से यूज करने वाली हूँ, कैसे करूंगी वो आपको जल्दी दिखाऊंगी। और इस तरह से ना ये एक और हार्ड इसका बेस आता है, ये बेस आप इसमें इस तरह से नीचे लगा दें तो ये बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। अब अगर मैं कर पाई यहीं पे ये, तो यस आई कुड डू इट, तो ये इस तरह से हो जाता है। तो इतना बड़ा बॉक्स है, यू कैन अरेंज योर बैंगल्स इवन हियर, कुछ मेकअप का सामान भी आप यहाँ रख सकते हैं। काफी हार्ड है इसका बेस और सबसे बड़ी बात ये इस तरह से कवर हो जाता है, तो बिल्कुल भी डस्ट अंदर नहीं जाती है, अलमीरा में रख सकते हैं, साइज काफी बड़ा है, तो इट इज रियली गुड ऑर्गेनाइजर। कपड़ा अच्छा है, आराम से आप वैक्यूम कर सकते हो इसको बहुत इजीली, सो गुड वन। यहाँ पे वेलक्रो इसके लगा हुआ है तो ऐसे स्टिक हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि खुला पड़ा रहेगा। तो ये एक पैक के अंदर दो आ जाते हैं, ये चेक करना, इट इज रियली गुड ऑर्गेनाइजर। मैं बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजर नहीं खरीदती हूँ, लेकिन इस तरह के आई लाइक इट। इवन एक मेरे पास था, उसमें मैंने चूड़ियां ही अरेंज की हुई हैं, दिखाऊंगी कभी आपको अपना ड्रेसर ऑर्गेनाइजर जरूर। तो ये लिया है और इसके बाद एक ये लिया हमने अमेजोन से, ये लेवियट का है और लेवियट इज अ रियली गुड ब्रांड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग ना, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके। तो ये बैग एक्चुअली कैमरा के लिए लिया है, कैमरा बैग है और ना का ही इसका कलर है जो वो मिलिट्री वाला कलर आता है ना, और बहुत ही हार्ड सा इसका कपड़ा है, मजबूत वाला जो होता है ना वो। तो सारी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हैं, पॉकेट्स काफ़ी सारी हैं, कैमरा आप अपना अच्छे से इसके अंदर अरेंज कर सकते हो। तो आप चाहे तो इसको ऐसे लाइक ट्रैवलिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो इसको, और नॉर्मली घर पे रखने के लिए। मेरा कैमरा जो है वो ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसीलिए फिर हमने ये लिया है। अंदर जो इसमें ये पाउच है ना, ये कुशन वाला पाउच है, तो आपके लेंसेज वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, अच्छी खासी जगह है, लाइक ये इस तरह ना कुशन पैडेड है इसमें अंदर। तो बेसिकली ये कैमरा के लिए ही है, इस तरह से ना आप इसको, तो ये बड़ा हो गया वैसे, और सारा अंदर कुशन लाइंड है, सो रियली गुड। तो मेरे कैमरे का कोई भी कवर नहीं था, लाइक हमने लिया नहीं था अब तक, तो मुझे ये दिखा उस दिन जब मैं ऑर्गेनाइजर देख रही थी, तो उसमें फिर ये भी आया सजेशन में, तो फिर मैं कहा ये भी ले लेते हैं, तो ये ऑर्डर किया है, सो विल बी गुड। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई एम सेटिस्फाइड, क्वालिटी अच्छी है, वॉश भी कर सकते हो आप इसको अगर गंदा हो तो। ये भी अमेजोन का है। ओके, और क्या बचा, हाँ इसके बाद बचे दो प्लांट, ये हमने आइकिया से लिए हैं और ये अदवी ने अपने रूम के लिए लिया है। और ये वाला जो प्लांट है बेसिकली क्रिसमस पे आता है, बहुत अच्छे से ब्लूम करता है, तो ये मैंने पॉट में लगा दिया था, बिना पॉट के आया था, तो बट मैंने इसको पॉट में रख दिया था क्योंकि वाटर दे रहे हैं इसको। तो ये वाला एक प्लांट है और ये इनडोर प्लांट्स हैं दोनों के दोनों। एक मैंने ये लिया है, टेबल क्लॉथ है ये B&M बार्गेन से लिया है, आई थिंक 499 का है ये या 399 का है, और ये मार्बल इफेक्ट वाला है, तो आप टेबल के ऊपर डालते हैं ना तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपकी मार्बल की टेबल है, तो ये उसके लिए है। कर्टेन जो है वो एक पेयर और ऑर्डर किया हुआ है, वो कलेक्ट करना है जल्दी ही हमें, तो वो जब आएगा तब दिखाऊंगी आपको। और फाइनल जो चीज़ है वो है ये वाली टेबल, हमने पहले एक वुडन की टेबल भी ली थी इसी तरह की ना कॉस्को से, काफ़ी एक्सपेंसिव थी वो, लेकिन वो अच्छी नहीं निकली तो वो हमने रिटर्न कर दी थी। कॉस्को की रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है, उसके जो हिंज थे ना वो ख़राब थे, और एक दिन वो ओपन करी तो वो बिखर ही गई सारी, तो फिर हम तब से ही तलाश में थे,
तो हमने ये वाली ली है और ये आईकिया से 8.5 pounds की मिल गई है, फाइबर की है ये वाली। और इसको एज अ ट्रे भी आप यूज कर सकते हैं, एंड व्हेन यू वांट लाइक आप बेड पे कुछ काम कर रहे हैं, आपको लैपटॉप रखना है या फिर कभी होता है कि चाय पीने का मन कर रहा है तो देन यू कैन यूज इट। तब आप इसके ये लेग्स जो है ना इस तरह से ओपन कर लो, तो ये इस तरह से हो जाती है। तो ये हमने ली है, तो ये है आईकिया की, दैट्स इट। और तो आई डोंट थिंक सो और कुछ सामान बचा है, बस यही है। आईकिया से मैं एक और चीज लेकर आई थी, छलनी टाइप है वो जिसमें आप मसाले रखते हैं, तो शायद वो मैंने किचन में रख दिया, शेयर विद यू सम टाइम एल्स। अभी पता नहीं मैंने वो कहाँ रख दिया, मुझे देखनी है। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया था, बस वही रह गई, बट अब मुझे ध्यान आ गई। तो यही सारी चीजें थी, और भी कुछ चीजें आने वाली हैं तो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में देखने को मिलेंगी बहुत जल्दी। फेस्टिव सीजन, बेस्ट सीजन, बहुत कुछ होता है इस टाइम पे। एक्साइटमेंट जो है वो बिल्कुल चरम सीमा पे होता है, ये भी कर लो वो भी कर लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को। सो आई एम सो एक्साइटेड, बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं एंड आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए, तो मेरे साथ शेयर करना क्या अपने रिव्यूज़ कि आपको कैसी लगी बनाना, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और मेरे सेकंड चैनल बी चार्मर को एक बार और ज़रूर चेकआउट कर लेना, वहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो इस फेस्टिव सीजन में आने वाली हैं। तो चलिए, बहुत बोल लिया पानी की अब ज़रूरत है मुझे, और बस मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye.